तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह चेंज कर सकते हैं, वो भी ग्रीन स्क्रीन के साथ और विदाउट किसी ग्रीन स्क्रीन के। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्रुप चैनल। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखते हैं किसी भी ग्रीन स्क्रीन को यूज करते हुए हमारी वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो इधर मैंने कुछ वीडियोस इम्पोर्ट की हुई है, तो इधर से हम इस वीडियो को इस टाइमलाइन पर इस तरह इम्पोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको प्ले करें, ये आप देख सकते हैं इसके बैकग्राउंड पर ओनली ग्रीन स्क्रीन यूज की हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो इसको हम सिंपल वन क्लिक से चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने सिंपल इस वीडियो पर राइट क्लिक करना है और इधर से हमने इधर ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करना है। तो ये हमारे पास इस तरह हमारी ग्रीन स्क्रीन सारी रिमूव हो जाएगी। इसके बाद हम इधर ओके पर क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो भी आप इसके बैकग्राउंड पर वीडियो लगाना चाहते हैं, इमेज लगाना चाहते हैं, वो आपने इसके नीचे इम्पोर्ट कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वीडियो को इसके नीचे इस तरह इम्पोर्ट करता हूँ और इधर से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इधर से देखें तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास इधर से ये वीडियो कितनी क्लियर नजर आ रही है। और अगर यही हम इधर क्लिक करें तो ये इधर आप देख सकते हैं ये हमारे पास वीडियो थोड़ी सी ब्लर नजर आ रही है। तो इसको अगर हमने चेंज करना है तो इसके लिए हमने दोबारा इधर राइट क्लिक करना है और इधर से ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करना है और इधर से हमने जो इसकी टॉलरेंस है इसको हमने इंक्रीज कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं अब हमारे पास बहुत ही वाजिया नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम इसको स्टार्ट से प्ले करें, इधर से हम इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं और इसके बाद अगर प्ले करें तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आप इसके बैकग्राउंड पर मल्टीपल वीडियोस ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं इधर से इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता और इधर हम ये वाली वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं और इधर से इसका टाइम हम एडजस्ट कर लेंगे और इसके बाद इधर से हम इसको अगर प्ले करें तो ये हमारे पास इस तरह शो होगी। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप इन दोनों के दरमियान में एनिमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो आपने इधर से ट्रांजैक्शन पर जाना है और इधर से कोई भी ट्रांजैक्शन आपने चूज़ कर लेनी है। तो ये मैंने कुछ अपनी फेवरेट इधर ट्रांजैक्शन रखी हुई है, इनमें से मैं ये वाली ट्रांजैक्शन इधर ऐड करता हूँ और इधर से हम इसको दोबारा प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास इस तरह बहुत ही अट्रैक्टिव और कैची हमारा बैकग्राउंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास ग्रीन स्क्रीन अवेलेबल नहीं है और हम किसी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, वो किस तरह करेंगे? फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास इधर ब्लू बैकग्राउंड के साथ ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इधर से हम इसकी रेजोल्यूशन सेट करते हैं। इसमें से अगर हम ब्लू बैकग्राउंड की जगह पर कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने सिंपल इधर राइट क्लिक करना है और इधर से हमने ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करना है और इधर से हमने ये जो हमारे पास आई ड्रॉप पर आ रहा है इस पर हमने क्लिक करना है और इधर से हमने जो कलर हम चेंज करना चाहते हैं वो हमने इधर से चूज कर लेना है और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हमारा ब्लू कलर इधर से रिमूव हो चुका है। और इसके बाद हमने सिंपल इधर ओके पर क्लिक करना है और इसके बैकग्राउंड पर हम जो भी इमेज एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो हम सिंपल इस पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको ऊपर वाली लेयर पर लेकर आता हूँ और इधर से मैं इस बैकग्राउंड को इधर ऐड कर देता हूँ और इधर से इसका टाइम एडजस्ट कर लेंगे। और अब अगर हम इसको प्ले करें तो ये आप देख सकते हैं अब हमारे पास ये इस तरह शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है कि आपका ऑब्जेक्ट आपके बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल मैच ना कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इधर से इस वीडियो को इंपोर्ट करूं इधर, तो अब अगर आप इधर देखें तो ये हमारे पास हमारे बैकग्राउंड पर भी वाइट कलर है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी शर्ट भी हमारे पास वाइट कलर में है। तो अगर हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर हम इधर राइट क्लिक करें और इधर से ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करें और इधर से अगर हम आई ड्रॉपर की मदद से इधर से इसका बैकग्राउंड चूज़ करें तो ये आप देख सकते हैं इसकी शर्ट भी हमारे पास इधर से थोड़ी सी रिमूव हो चुकी है। अगर हम इधर से टॉलरेंस की मदद से भी इसको एडजस्ट करने की कोशिश करें तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारे पास टॉलरेंस की मदद से भी ये एडजस्ट नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, इसलिए आपने ख्याल रखना है कि आपके पास आपका बैकग्राउंड बिल्कुल आपके हेयर स्टाइल, फेस, शर्ट्स, शूज़ के साथ मैच ना कर रहा हो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह अगर हमने किसी वीडियो में किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करना है तो वो हम किस तरह करेंगे? फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक डांसिंग ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको प्ले करें तो ये हमारे पास इस तरह डांस कर रहा है और इसको हम हमारी किसी इमेज में ऐड करना चाहते हैं तो वो हम इसको किस तरह कर सकते हैं? तो इसके लिए हमने सिंपल इधर राइट क्लिक करना है और इधर से ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करना है और इधर से ओके पर क्लिक करेंगे और इसके बैकग्राउंड पर हम ये वाली वीडियो ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आप इधर से देखें तो ये भी हमारे पास बैकग्राउंड हमारा ब्लर नज़र आ रहा है तो इसको भी हम सिंपल इधर टॉलरेंस इसकी इंक्रीज करके एडजस्ट कर लेंगे और इधर ओके पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम हमारे बैकग्राउंड को इधर से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से इसको इस तरह मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देंगे।
और इसके बाद अगर हम इसको प्ले करें तो ये हमारे पास इस तरह प्ले हो रहा है। और फ्रेंड्स इसी तरह अगर आप इसको भी अपनी स्क्रीन पर कहीं पर एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका साइज़ छोटा कर लेंगे और इधर से हम इसको इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। और इसके बाद अगर हम हमारी वीडियो को इधर से प्ले करें तो ये हमारे पास इस तरह प्ले हो रही है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल ग्रो अप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।